हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 31। ये 15 सितंबर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट है आपकी कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड। तो आपको यहाँ पर कुछ पैसेज या पोएम या कुछ भी दिया होगा, वो आपको कॉम्प्रिहेंड करना है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी नई वर्कशीट आए तो आपको पता भी चल जाए और आपके फ्रेंड्स को भी उस कंटेंट का आइडिया हो जाए। तो आज की जो हमारी पोयम है जो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के लिए दी गई है, उसका नाम है विंड। तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा जब मैं ये पोयम बता रही हूँगी, क्योंकि इसी पे बेस जो है बाद में क्वेश्चंस आएंगे। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो यहाँ पर पोएट जो है वो विंड को कह रहा है कि धीरे से आओ, आराम से आओ, जो विंडोज के शटर्स हैं, विंडोज के जो दरवाजे हैं उन्हें मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, तो जो पेपर पड़े हुए हैं यहाँ पर उनको मत इधर उधर फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो शेल्फ पे जो बुक्स रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ, मतलब इतनी तेज मत चलो कि ये जो बुक्स रखी है सब गिर जाए, पेपर सब फैल जाए और हमारी विंडोज जो है धड़ धड़ करके आवाज करने लगे। तो इसलिए विंड जो है वो उसको विंड को कह रहा है कि थोड़ा धीरे आराम से आओ, कम सॉफ्टली। There, look what you did. You threw them all down. फिर वो कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. तुमने books के जो pages थे उन्हें फाड़ दिया। You brought rain again. अब तुम इतनी तेज चल रही थी wind की, अब तुम्हारी वजह से यहाँ तेज बारिश भी होने लगी। You are very clever at poking fun at weaklings. तो weaklings का मतलब होता है वो लोग जो बहुत कमजोर होते हैं। तो वो विंड को कह रहा है पोएट कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुम बहुत क्लेवर हो, कि तुम जो वीकलिंग्स हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनका तुम मजाक उड़ाती हो। कैसे मजाक उड़ाती हो? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो वो जो कमजोर क्या क्या होता है यहाँ पर पोएट ने बताया है कि हाउसेस जो होते हैं, घर जो हैं, कमजोर जो घर होते हैं वो क्रम्बल करने लगते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जो दरवाजे हैं वो टूटने लगते हैं, राफ्टर्स जो है, बड़ी बड़े जो उसमें नाव जो होती है, राफ्टर्स जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, वुड जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, लकड़ियां टूटने लगती हैं, लोगों की बॉडीज टूटने लगती है, जिंदगी टूटने लगती है और दिल टूटने लगते हैं। तो इतनी तेज मत चलो कि, और ऐसे मजाक मत उड़ाओ कमजोर लोगों का, क्योंकि इन सब से जो है ये सब गिरने लगता है, टूटने लगता है, सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बॉडीज, लाइव्स और हार्ट्स की पोएट बात करता है, तो आप समझ सकते हैं कि विंड जो है वो एक मेटाफर है, मतलब विंड सिर्फ वो विंड की बात नहीं कर रहा है, बल्कि पोएट ये कहना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो जो है वो विंड की तरह होती हैं, बिल्कुल तेज धड़ल्ले से एकदम तेज आती हैं और हमारी पूरी जिंदगी तबाह करके चली जाती है, जोर जोर से हमें हिलाकर चली जाती हैं, झकझोर कर चली जाती हैं, और उनकी वजह से बिल्कुल हमारा जीवन जो है बहुत ही सैड हो जाता है और सब कुछ जो है बिखरने लगता है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है बिखरना, टूटना, तो सब कुछ जो है बिखरने लग जाता है हमारे आसपास। The wind god winnows and crushes them all. तो अगेन वो विंड को, जो पवन देवता है, विंड गॉड जो है, उनको अगेन एड्रेस करते हुए पोएट कहता है कि विंड गॉड जो है वो किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो चुन चुन कर उन्हें बिल्कुल सबको क्रश कर देता है, सबको खत्म कर देता है। अगेन जो चैलेंजेस हैं हमारे लाइफ के, जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है, और जो ये प्रॉब्लम है जो विंड गॉड की तरह आती है, वो चुन चुन कर सबको खत्म कर देता है। He won't do what you tell him. तुमने उसने जो भी बोलो विंड गॉड को, वो बिल्कुल वो नहीं करते। So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. तो फिर पोएट कहता है कि देखो, तुम विंड गॉड को अगर बोलोगे कि ये मत करो, तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो छोड़ो फिर उसे, हम ही मिलकर जो है और मजबूत घर बनाते हैं, मतलब कि हम खुद को और मजबूत करते हैं, जो हमारे दरवाजे हैं उनको और ज्यादा जो है, जॉइंट्स जो है उनको फर्मली और स्ट्रांगली उनको मतलब जोड़ते हैं, मतलब कि हम खुद को और स्ट्रांग करते हैं, हम खुद के जो दिल के दरवाजे हैं और जो हमारे मन के दरवाजे हैं उनको और स्ट्रांग करते हैं।
प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, तो हम अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, तो जो हमारा दिल है उसको हम और ज्यादा जो है स्टेडफास्ट बनाते हैं, मतलब कि और ज्यादा जो है उसको स्ट्रांग बनाते हैं. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप ये सब करोगे तो ये जो विंड है जो अभी तक हमें बुरी तरह से हरा रही थी, हमें झकझोर रही थी, हमें तोड़ रही थी अंदर से, वही विंड जो है वो हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. तो साथ ही साथ पोएट ये भी बताता है कि जो विंड है वो जो है जो कमजोर जो फायर्स हैं, जो कमजोर जलने वाले लोग हैं, मतलब कि अगेन ये मेटाफर है, तो जो कमजोर आग होती है विंड जो है उसको एक ही फूंक में जो है उड़ा देती है, ब्लो आउट कर देती है. तो इसी तरह से जो कमजोर लोग होते हैं डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स जब वो फेस करते हैं तो प्रॉब्लम जो है उन्हें एक बार में खत्म कर देती है. वहीं पर विंड जो है ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. वहीं पर विंड जो है वो अगर फायर जो है आग जो है बहुत तेज हो तो वहीं वो और ज्यादा उसको बढ़ाती है, और ज्यादा उसको क्रैकल करने देती है, रोर करने देती है, मतलब और ज्यादा जो है धीरे धीरे जो है आग बढ़ने लग जाती है. तो फ्लरिश का मतलब होता है और आगे बढ़ना. हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. तो फिर पोएट वही कहता है कि विंड के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और हम विंड की जो है हम उसे रोज उसको प्रेज करते हैं, उसकी सराहना करते हैं. तो इस तरह से पोएट ये कहना चाहता है बेसिकली कि हमें खुद को स्ट्रांग करना चाहिए, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए हमें और ज्यादा हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, हमें अनवेवरिंग रहना चाहिए, हमें बस चलते चले जाना चाहिए, आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और मुश्किलों में डिफिकल्टीज में चैलेंजेस में प्रॉब्लम्स में हमें हारना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर हम कमजोर बनेंगे तो जिस तरह से विंड जो है वो जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो आग होती है उसको बुझा देती है उसी तरह से हमें भी खत्म कर देगी. लेकिन वहीं हम अगर बड़ी आग की तरह बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे तो विंड हमें फिर आगे बढ़ाएगी और हम उसके दोस्त बन जाएंगे और वो ये जो दोस्ती है वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोएट का नाम भी दिया हुआ है बाय सुब्रमण्या भारती. तो ये जो पोएम है ये सुब्रमण्या भारती ने लिखी है. इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम. अभी अभी मैंने आपको बताया कि सुब्रमण्या भारती जो है वो आपके पोएट हैं यहाँ पर. तो ये जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है शीट, तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ पोएम. एक बार खुद इनको करने की कोशिश कीजिए. तो मैं आपको ये क्वेश्चंस भी सारे दिखा देती हूँ, ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप खुद एक बार इन्हें करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर जो हम वीडियो में आंसर्स बता रहे हैं आप उससे इसे क्रॉस चेक कीजिए. तो इससे आपको भी समझ आएगा कि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन हुआ कि नहीं हुआ. फिर बी पार्ट है आपका, द डैश स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो किसने पेपर्स को इधर उधर बिखरा दिया था और बुक्स जो थी शेल्फ पर उसको गिरा दिया था. तो विंड की बात हो रही थी तो विंड ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है. फिर है द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज. तो जो पोएट जो हमें कह रहा है अगर लोग वही सब करें तो विंड क्या होगी, वो हमसे गुस्सा हो जाएगी, अनॉय हो जाएगी या रहेगी या वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी. तो ऑफकोर्स वो फ्रेंड बन जाएगी अगर हम स्ट्रांग बनते हैं जैसे पोएट कह रहा है. अगला क्वेश्चन है आपका, What does the wind god do to the weaklings? तो wind god जो है वो जो कमजोर होते हैं weaklings होते हैं उनके साथ क्या करती है. तो पहला है poke fun at, मतलब मजाक उड़ाती है उनका. second crushes them, उनको खत्म कर देती है. don't spare them, उनको छोड़ती नहीं है. fourth है all of these. तो of course wind god जो है वो ये सभी कुछ करते हैं weaklings के साथ, कमजोर लोगों के साथ. तो fourth आपका correct option है. e part है आपका, the poet asks people to dash. तो poet क्या बोलता है लोगों को, क्या करने को कहता है. पहला है बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि अपने घरों को बहुत मजबूत बनाइए. फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को बहुत मजबूत बनाइए. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को जो है स्टेडफास्ट बनाइए, मतलब कि दिल को भटकने मत दीजिए, इधर उधर चंचल मत होने दीजिए, उसे बिल्कुल फोकस्ड बनाइए. तो और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम. तो ऑफकोर्स ये सभी बातें जो है पोएट हमें करने को कह रहा है तो इसलिए ऑल ऑफ देम. फिर एफ पार्ट है आपका, द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश. तो विंड कौन सी फायर को ब्लो आउट कर देती है, तो वीक फायर जो होती है. तो पहला आपका यहाँ पहले ब्लैंक में आएगा वीक, उनको ब्लो आउट कर देती है. लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी यहाँ पर फिट होना चाहिए, तभी ये जो सेकेंड पूरा पार्ट है ये करेक्ट होगा. तो पहला जो है वीक है आपका यहाँ पर,
फिर है मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश. तो कौन सी फायर को वो बढ़ावा देती है? जो फायर स्ट्रांग होती है उसे वो बढ़ावा देती है विंड. तो इसीलिए जो आपका ये सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइजेस इन द पोएम? तो पोएम में विंड किसको सिंबलाइज कर रही है, किसके लिए मेटाफर है वो? पहला है डिफिकल्टीज के लिए, सेकेंड चैलेंजेस, थर्ड हार्डशिप्स, फोर ऑल ऑफ दीज. तो ऑफकोर्स विंड जो है वो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है, इन सभी का वो प्रतीक है. फिर एच पार्ट है आपका, द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फर्म इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो हमें चैलेंजेस कैसे फेस करने चाहिए और डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, लेकिन कैसे फेस करने चाहिए चैलेंजेस? पहला ऑप्शन है ब्रेवली, बहुत ही ज्यादा ब्रेव तरीके से हमें फेस करना चाहिए. सेकेंड है रेयरली, बहुत कभी कभी फेस करने चाहिए चैलेंजेस. थर्ड है केयरलेसली, मतलब कि ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए उनपे. फोर्थ है कावर्डली, मतलब कि उससे डर के भाग जाना चाहिए. तो ऑफकोर्स हमें जो चैलेंजेस हैं उन्हें ब्रेवली, बहुत ही हिम्मत के साथ हमें उसे फेस करना चाहिए. फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? तो पोएम में अनवेवरिंग मतलब ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है जिसका मतलब है अनवेवरिंग. अनवेवरिंग का मतलब होता है जो चंचल नहीं हो, जो इधर उधर भटकता नहीं हो, बल्कि फोकस्ड रहे और उसका जो डिटर्मिनेशन है वो वेवर ना करे, मतलब कि हिले ना. वो अपनी जो डिटर्मिनेशन है, फर्मनेस जो है, उससे वो भटके ना, हिले ना. तो पहला आपको ऑप्शन दिया है पोकिंग, उसका मतलब होता है किसी को छेड़ना. फिर सेकेंड है क्रम्बलिंग, मतलब बिखर जाना. थर्ड है स्टेडफास्ट, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी मतलब समझाया है. फोर्थ है रोर, मतलब दहाड़ना. तो स्टेडफास्ट जो है उसका मतलब होता है अनवेवरिंग, मतलब कि स्टेडफास्ट हार्ट, मतलब आपके दिल को आपको भटकाना नहीं है बल्कि फोकस रखना है, अनवेवर्ड रखना है. तो यही आपका जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. आज की वर्कशीट में इतना ही है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले. थैंक यू.